मुरादाबाद के दीनदयाल नगर स्थित युवा केंद्र दीनदयाल नगर में श्री रामलीला समिति सिविल लाइन दीनदयाल नगर की ओर से भव्य श्री रामलीला मंचन प्रारंभ होने से पूर्व पंडित उमाशंकर शास्त्री ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण कर भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के उपरांत श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि पुरुषोत्तम श्री राम जी के आशीर्वाद से श्री रामलीला समिति सिविल लाइन दीनदयाल नगर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य श्री राम मंचन प्रारंभ होने जा रहा है। मंचन से पूर्व आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित श्री उमाशंकर शास्त्री जी ने विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन के उपरांत प्रसाद वितरण किया। भव्य श्री रामलीला भूमि पूजन समिति के संरक्षक शिशिर गुप्ता, संरक्षक डॉक्टर संजीव राजन, संरक्षक सुनील कुमार गुप्ता, संरक्षक आशुतोष गुप्ता, अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव प्रयोज गुप्ता, राजेश भारती, अजय कुमार कट्टा, निर्वेश भटनागर, श्री रामलीला समिति मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, प्रमोद रस्तोगी, विनीत गुप्ता, सुधांशु कौशिक, गोरखनाथ जी, विकास गुप्ता, अरविंद गुप्ता, प्रेमनाथ यादव, हेमंत चौधरी, उपेंद्र चंद्र अग्रवाल, जेके सक्सेना, के एस गोयल आदि लोग मौजूद रहे। प्रभु श्री राम जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से अपने युवा केंद्र में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से रामलीला का मंचन होने जा रहा है श्री रामलीला समिति सिविल लाइन के माध्यम से। हम सभी साथी मिलकर इस रामलीला मंचन को एक बेहतर बना सकें और लोगों को एक अच्छा नया रूप दे सकें, इसी के लिए हम लोग सब मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष करते चले आ रहे हैं। आज सुबह भूमि पूजन के साथ साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कल से 17 तारीख है, 17 अक्टूबर से प्रभु श्री राम के जन्म के साथ साथ और रावण वध तक ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा। और इस कार्यक्रम को जो करेंगे कलाकार, वो राजाधिराज कला केंद्र मथुरा के माध्यम से ये कार्यक्रम होगा। सभी कलाकार यहाँ पहुँच चुके हैं, अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। आज इत्तेफाक है, इंद्र देवता कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हुए और उन्होंने दबती हुई जो उड़ती हुई धूल थी उसको दबा दिया। हल्की बारिश और खुशनुमा मौसम के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और हमारे सभी साथी जो पूर्वता से इस कार्य में लगे हुए हैं तो अपने सारे कार्यों को छोड़कर आज प्रभु श्री राम की लीला के मंचन में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं और समय के साथ साथ ये जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा जो राम का कर्तव्य है, जो रघुनाथ का कार्य है, उन सभी कार्यों को बच्चों के मन में उतारें और इस कार्य को लेकर आगे बढ़ें। यही इस रामलीला का यहाँ पर पूरा उद्देश्य रहा है। क्षेत्रवासियों से हमारी अपील है कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुँचें, बुज़ुर्गों को लेकर पहुँचें, लेकिन हाँ एक उसके साथ साथ एक मैसेज ये भी मेरे लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी रामगंगा विहार या दीनदयाल नगर या अवंतिका या कोई सी भी कॉलोनी है उसकी रोड बहुत टिपिकल हो रही है। आज बारिश पड़ गई है, हो सकता है कहीं से रोड दबें भी, तो मेरा निवेदन है उन अभिभावकों से, उन दर्शकों से, उन भक्तों से कि रोड पर बहुत आहिस्ता से, बहुत सुरक्षा के साथ निकलकर रामलीला देखने आएं और सुरक्षा के साथ ही अपने परिवार के साथ घर पहुंचें। प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा आप सब पर ऐसी ही बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम।